वक्त की सबसे बड़ी खबर दर्शकों के सामने। शिमला के खलीनी इलाके में कई पेड़ जड़ से उखड़ चुके हैं। तो आपको बड़ी खबर हम बता रहे हैं, कई गाड़ियां भी दबी हुई हैं जिससे भारी नुकसान भी हुआ है और कुछ घरों को भी नुकसान पहुंचने की आशंका यहां पर जताई गई है। भारी बारिश की वजह से बिजली व्यवस्था पूरी तरह से ठप है। शिमला के कई इलाके अंधेरे में डूब चुके हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, हर जगह अंधेरा पसरा हुआ है क्योंकि बिजली सप्लाई यहाँ ठप हो चुकी है। भारी बारिश की वजह से पेड़ उखड़कर गिरे हैं और इससे गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। कई घरों पर भी यहाँ पर पेड़ गिरे हैं, कई गाड़ियां पेड़ों के नीचे दब गई हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पर अचानक से गाड़ियों के ऊपर ये पेड़ गिरता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर पूरा इलाका इस वक्त अंधेरे में धुप नजर आ रहा है। और हिमाचल प्रदेश में जारी भारी बारिश को देखते हुए राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूल कॉलेज आज बंद रहेंगे और इसके साथ ही राज्य सरकार ने सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने का भी फैसला लिया है। भारी बारिश की वजह से जगह जगह जमीन खिसक रही है और पेड़ गिरने की घटनाएं भी सामने आ रही है। साथ ही हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने आज प्रस्तावित सभी परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। हिमाचल में आसमानी आफत प्रकोप बनकर लोगों के ऊपर बरप रही है। इसी बीच हिमाचल के मंडी से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई और एक वीडियो सामने आया जिसमें एक पहाड़ दरकता हुआ दिखाई दिया। ये जमीन खिसकने की घटना मंडी शहर के विश्वकर्मा मंदिर के पास हुई, जहां पहाड़ी से पहले छोटे छोटे पत्थर गिरते हुए नजर आए। उसके थोड़ी ही देर बाद पहाड़ी का एक बड़ा सा हिस्सा गिरकर सीधा सड़क पर आ गिरा, यानी पूरी तरीके से माल बाद। और इस दौरान बड़े बड़े पत्थरों की चपेट में जो भी आया वो उसे तबाह करते गए। मलबे के साथ पेड़ भी उखड़कर मंदिर के पास गिर गए। प्रशासन ने खतरे को देखते हुए एहतियातन आसपास के इलाकों को खाली करा लिया है, यानी इन इलाकों में अब कोई रह नहीं सकता। ये जो पर्टिकुलर हम हिमाचल प्रदेश के मंडी का वो एरिया दिखा रहे हैं जहां पे एक पहाड़ धड़कने की तस्वीर आपके सामने। हिमाचल प्रदेश के मंडी से तस्वीर सामने आई है जहां पर अचानक पहाड़ धड़कने की घटना देखी गई और ऐसे में पहली प्राथमिकता यही रही कि आसपास के इलाके में जो भी लोग हो उन्हें वहां से सुरक्षित निकाल लिया जाए। उत्तराखंड से बड़ी खबर मिल रही है। उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने की वजह से जमकर तबाही मची है। सड़क पर सैलाब के साथ मलबा आ जाने से कई गाड़ियां उसमें दब गई। बादल फटने से इतना पानी गांव में बरसा कि चमोली में 3 पुल बह चुके हैं और इसकी वजह से कई गांवों का संपर्क जिले के दूसरे हिस्सों से टूट गया है। चमोली में बादल फटने से सैलाब के साथ साथ मलबा भी सड़कों पर बहकर आ गया। इस बीच जमीन खिसकने की घटनाएं भी सामने आई और यही वजह रही कि बद्रीनाथ से जुड़ने वाला रास्ता पूरी तरीके से तबाह हो गया। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें दरअसल उत्तराखंड से सामने आई है, यानी हिमाचल प्रदेश हो या उत्तराखंड हो, हर जगह इस वक्त मौसम का प्रहार देखने को मिल रहा है। बादल का प्रचंड प्रहार इन इलाकों में पड़ रहा है। लगातार भारी बारिश की वजह से आपको बता दें कि 3 पुल भी ध्वस्त हो गए हैं, जिसकी वजह से अलग अलग इलाकों का संपर्क एक दूसरे से कट गया। मॉनसून की मार एक बार नहीं बल्कि ये दोनों ही प्रदेश दोबारा झेल रहे हैं, चाहे हिमाचल प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड। चमोली में बादल फटने से सैलाब के साथ मलबा भी सड़कों पर बहकर आ गया और इस बीच जमीन खिसकने की घटनाएं भी सामने आई है, जिसकी वजह से बद्रीनाथ हाईवे से जुड़ने वाला रास्ता पूरी तरह तबाह हो गया। पूरी की पूरी सड़क बहने से लोगों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं क्योंकि गाड़ियों के आने जाने पर ब्रेक लग चुका है। सैलाब कितनी तेजी से आया होगा इस बात का अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं कि सड़क पर लगे रेलिंग भी यहाँ पर टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये अलग अलग एंगल से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और सभी से ही गुजारिश है, जो भी पहाड़ी इलाकों के लोग हैं खासकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के, इन इलाकों से दूरी बना ले। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सैलाब कितनी तेजी से आया कि सड़क के किनारे जो रेलिंग लगे थे वो भी इसमें ध्वस्त हो गए। ये तस्वीरें आप देखिए और इसे समझिए कि वहां आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों पर अभी किस तरीके की मुसीबत बरस रही होगी। सभी लोग अपने घरों में कैद हैं और जो भी यात्री हैं उनसे गुजारिश यही की जा रही है कि वो अभी पहाड़ी रास्तों पर ना जाएं। और वहीं उत्तराखंड के देहरादून में लगातार हो रही बारिश की वजह से रास्ते बंद हो गए हैं। मौसम विभाग ने देहरादून में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में नदियों में उफान है और इस बीच जगह जगह बादल फटने और जमीन खिसकने की घटनाओं के बाद से ही प्रशासन ने लोगों को पहाड़ों और नदी किनारों से दूर रहने की हिदायत भी दी है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। पुष्कर सिंह धामी बाढ़ और बारिश के हालात को लेकर अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक भी कर रहे हैं और उन्होंने जल्द से जल्द मदद पहुंचाने के निर्देश भी जारी किए हैं। बादल फटने की वजह से तबाही हुई है, भारी बारिश की वजह से लोगों पर जो मुसीबत बरसी है उस पर मुख्यमंत्री की नजर है।
मौसम विभाग का रेड अलर्ट चल रहा था और 12 तारीख के से ही भारी बारिश चल रही है, विशेषकर गढ़वाल क्षेत्र में। कुमाऊं में भी है पर गढ़वाल में ज़्यादा हुई है। कल तो 13-24 घंटे रुका ही नहीं है नॉनस्टॉप, आज रात भी पूरा ऐसे ही रहा है। तो सभी जगह रास्ते बंद हैं, सभी जगह पुलिस अलर्ट है और हमारी SDRF की टीमें लगी हुई हैं। चमोली में भी कई जगह प्रॉब्लम आई है, बादल फटे हैं, एक जगह मवेशियों के लॉस की सूचना है। इसी तरह रुद्रप्रयाग में भी ऐसा ही हुआ है।